Hi everyone, welcome to your own academy, that is Achievers Academy. I am your friend, your guider, Nisha Sharma. So, बच्चे इस specific video में मैं आपको discuss करने जा रही हूँ TCET English screening exam के बारे में. जो बच्चे पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो मैं बता दूं आपको जो भी नॉलेज मिलेगी बिल्कुल ऑथेंटिक मिलेगी, एक्सपीरियंस्ड बेस मिलेगी, ठीक है. और माई चैनल डेडिकेटेड फॉर स्पेशल टीचिंग एग्जाम्स एंड हरियाणा HSSC एग्जाम्स, ठीक है. सो काफ़ी बच्चों की इंक्वायरी थी इसके सिलेबस को लेके. इसका जो डिटेल सिलेबस है मैं काफ़ी बार अपडेट कर चुकी हूँ कि इसमें क्या क्या आएगा, कितने मार्क्स का क्या आएगा. इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं आपको डिस्कस करने जा रही हूँ सिर्फ और सिर्फ जो इंग्लिश वाला सेक्शन है. आपको पता है हरियाणा में जो TGT स्क्रीनिंग है, एक सिंपल सा बता देती हूँ, जिन्होंने BEd किया हुआ है, जिनका एस्टेट क्वालिफाई है TGT इंग्लिश वाला, नॉट SST, TGT इंग्लिश वाला एस्टेट क्वालिफाई है, एग्रीगेट 50% मार्क्स हैं आपके स्पेसिफिक सब्जेक्ट में, मीन्स आपके इंग्लिश में 50% मार्क्स होने चाहिए, एंड एज वेल एज आपने BEd किया हुआ होना चाहिए विद दैट पर्टिकुलर टीचिंग सब्जेक्ट इंग्लिश, ठीक है. अब इसके अंदर ये वैकेंसीज आपको पता है हरियाणा में एज सून एज पॉसिबल देखने को मिल जाएंगी. तो इसमें सिर्फ मैं इंग्लिश के सेक्शन की बात करती हूँ. ओवरव्यू के लिए आप बहुत सारी वीडियोज़ मैंने बना रखी है TGT इंग्लिश स्क्रीनिंग के लिए, वो देख लें, ठीक है. बट सिंपल आपको बता देती हूँ. आपको पता है 2015 में भाई ये एग्ज़ाम हुआ था और इसमें बहुत महान लोग शामिल भी थे, ठीक है. और ये वैकेंसीज कैंसिल हो गई थी, बट कोई दिक्कत नहीं है. और इसी वैकेंसी के कैंसिल होने के बाद हरियाणा सरकार, और कैंसिल क्यों हुई थी आपको पता है, इलेक्टिव इंग्लिश का क्राइटेरिया था. इलेक्टिव मतलब जो आप अपनी मतलब चॉइस से लेते हो वो इंग्लिश, लेकिन हरियाणा में बेसिकली कंपलसरी इंग्लिश है. तो अब की बार वो कोई दिक्कत नहीं, आपने इंग्लिश ऑनर्स किया है, आपने कंपलसरी इंग्लिश किया है, आपने वट एवर कुछ भी किया है, तो यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, ठीक है. तो इन सब पे अलग वीडियो है. अब आपको पता है यहाँ पर जो आपका पेपर रहेगा बच्चे, ये 90 क्वेश्चंस का रहेगा, 90 क्वेश्चंस का ये पेपर रहेगा, 80 का भी था, 90 का हम मतलब 80 या 90 फिक्स नहीं है, लेकिन 90 का रहेगा. पहले 80 का था क्योंकि पहले मतलब इंटरव्यू वगैरह के और भी बहुत सारे इश्यूज थे, बट अब मान के चलो कि आपका 90 नंबर का पेपर रहेगा 90 मार्क्स का. 10 नंबर जो हैं वो आपको पता है सोशियो कल्चर इकोनॉमिकल बहुत सारी कंडीशंस है, ठीक है. 90 मार्क्स के पेपर में जो आपका 30 मार्क्स है बच्चे, वो इंग्लिश से रिलेटेड आएगा. 30 मार्क्स है वो इंग्लिश से रिलेटेड आएगा. उसी 30 मार्क्स का डिटेल एनालिसिस मैं करने जा रही हूँ. उस 30 मार्क्स के अलावा जो 60 मार्क्स बचा, मैं आपको एक बार फटाफट बता देती हूँ. वैसे पूरी डिटेल वीडियो है विद टॉपिक वाइज, वो आप देख लेना, सिलेबस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, ठीक है. वैसे इस रिमेनिंग 60 जो मार्क्स हैं, इसके अंदर आपको हिंदी पूछ लेगा वो, ठीक है, जनरल जो ग्रामर होती है, इंग्लिश पूछ लेगा इंग्लिश की जनरल ग्रामर या वोकैबुलरी से रिलेटेड क्वेश्चन. फिर यहाँ आपको कुछ क्वेश्चन मैथ्स के पूछ लेगा, कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ रीजनिंग के पूछ लेगा, ठीक है, कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ कंप्यूटर से पूछ लेगा, कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ GS मतलब जनरल स्टडीज़, जिसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स और साइंस के क्वेश्चन पूछ लेता है HSSC अच्छे से, ठीक है, साइंस के क्वेश्चन पूछ लेगा. और इसके अलावा कुछ क्वेश्चन आपको करंट से पूछ लेगा, एंड मोस्ट डोमिनेटिंग आफ्टर इंग्लिश, इंग्लिश के बाद जो डोमिनेटिंग सेक्शन रहता है बच्चे, वो आपका हरियाणा GK से रिलेटेड रहता है, ठीक है, वो आपका हरियाणा GK से रिलेटेड रहता है. तो ये सारी चीज़ें 60 मार्क्स में आएंगी, ठीक है. अब बात करें नंबर किसके किसके कितने हैं, तो कुछ भी डिसाइडेड नहीं है भैया, ये HSSC है. किसी के 5 क्वेश्चन पूछेगा, किसी के 7, किसी के 8, किसी के 2, किसी का 5. कुछ भी स्पेसिफिक नहीं है कि मैं कह दूँ इस सब्जेक्ट से इतने नंबर आएंगे, बिल्कुल भी नहीं है. बस आपके सब्जेक्ट का फिक्स है कि 30 आएंगे और हरियाणा GK के नियर अबाउट 20 क्वेश्चन, 20-22 का मतलब रेशियो रहता है, तो मतलब 50 के अराउंड ये क्वेश्चन आएंगे और बाकी 40 नंबर में ये सब्जेक्ट. अब बच्चों को लगेगा 40 के लिए इतने सब्जेक्ट करें, भैया नौकरी है नौकरी, ठीक है, नौकरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है. अब इसके अंदर देखो हिंदी में से 6-7 क्वेश्चन पूछ लेगा वो, बहुत अच्छे तरीके से हिंदी का रखे तो कहीं नहीं जाना, संधि सुंधि रस्व ये सिंपल टॉपिक दे देते हैं. मैंने पूरी डिटेल एनालाइज बना रखी है कौन से टॉपिक ज़्यादा आते हैं, इंग्लिश है मैथ्स है, तो मतलब सारे टॉपिक्स में से कम वो तो करो जो इंटरेस्टेड लगते हो आप थोड़े बहुत. अब इन 30 मार्क्स का एनालाइज कर लेते हैं जिसके लिए मैं वीडियो बनाने जा रही थी, ठीक है. अब पेपर भाई एक ही बार हुआ है तो एक ही पेपर का एनालिसिस करेंगे, साथ में मैं दूसरे पेपर का भी एनालिसिस कर लेती हूँ जो मेवात कैडर का हुआ था, ठीक है. दो पेपर्स हुए हैं, मतलब एक मेवात वालों के लिए हुआ था और एक हरियाणा वालों के लिए, तो दोनों का ओवरव्यू दे देती हूँ. इसके अंदर आपको 30 मार्क्स में क्या क्या देखने को मिलेगा. कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पर ग्रामर से देखने को मिलेंगे, जो इंग्लिश की ग्रामर होती है. फिर आपको बहुत सारे क्वेश्चन मतलब बढ़िया लेवल के क्वेश्चन इंग्लिश वोकेबलरी से देखने को मिलेंगे, इंग्लिश वोकैब से देखने को मिलेंगे, इंग्लिश ग्रामर से देखने को मिलेंगे, इंग्लिश पैडागोजी मतलब ना के बराबर, मैं नहीं कहूँगी कि अच्छी देखने को मिलेगी, नहीं भाई, हरियाणा वाले ज़्यादा फोकस नहीं करते पैडागोजी पे, सेंटर वाले करते हैं.
एक आधा क्वेश्चन मिलेगा, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं मिलेगा हरियाणा के एग्जाम में, DSSB में मिलेंगे ज़्यादा। और फिर आपको यहाँ जो मोस्ट डोमिनेटिंग है डेट इज़ योर इंग्लिश लिटरेचर देखने को मिलेगा, ठीक है। और आपको एक पैसेज भी देखने को मिल सकता है, मतलब पीछे मिला था। ये एनालिसिस है, एनालिसिस के ये टॉपिक देखने को मिले थे। अब इनमें से क्या खास है, अब ग्रामर है वैसे तो पूरी ही बेसिक आपको, देखो आप इंग्लिश, यू आर गोइंग टू बी इंग्लिश टीचर, यू शुड नो द इंग्लिश ग्रामर, तो बेसिक आपको पूरी ही ग्रामर आना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। लेकिन फिर भी जो टॉपिक मैं दोनों का बता रही हूँ मिक्स मैच, कि मेवात और हरियाणा, क्योंकि दोनों एक ही बात है, ये मेवात कैडर के थे और ये रेस्ट ऑफ हरियाणा। अब ग्रामर में जो टॉपिक मोस्ट डेडिकेटेड या डोमिनेटिंग थे TZT इंग्लिश के अंदर, तो वो टॉपिक आपका एक तो वॉइस वाला टॉपिक पूछा गया था, एक टेंस वाला टॉपिक पूछा गया था, एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला टॉपिक पूछा गया था। क्यों कह रही हूं मैं, इनमें से जो क्वेश्चन पूछे गए थे ना डायरेक्ट नहीं पूछे गए थे, एक आधा डायरेक्ट भी था, इनडायरेक्ट क्वेश्चन थे। इनडायरेक्ट क्वेश्चन कैसे थे, इनडायरेक्ट क्वेश्चन थे करेक्शन वाले, कि सेंटेंस को करेक्ट करो। अब ये जो करेक्शन बेस्ड था ना, अरे मतलब एरर कह दो, अब ये जो करेक्शन बेस्ड था ये पूरी ग्रामर पे बेस्ड नहीं था। इस करेक्शन में जो इन्होंने क्वेश्चंस उठा रखे थे वो टेंस से उठा रखे थे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से, वॉइस डायरेक्ट पूछा गया था तो टेंस या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से करेक्शन उठा रखे थे। तो करेक्शंस के दो तीन क्वेश्चन इन्होंने पूछे हुए थे, ठीक है, ध्यान रखना। फिर इसके अलावा वोकैबुलरी अच्छे बेहतरीन तरीके से पूछी गई थी, मेवात में थोड़ी ज़्यादा थी, हरियाणा में थोड़ी कम थी। वोकैबुलरी में आपको पता है कौन कौन से टॉपिक्स आपको करने हैं भाई, वन वर्ड सब्सिट्यूशंस आपको पता होना चाहिए, ठीक है, वन वर्ड्स सब्सिट्यूशंस यू शुड नो। उसके बाद idioms एंड phrases, जिसको आप मुहावरे और लोकोक्तियाँ बोलते हो, ठीक है, idioms एंड phrases आपको पता होना चाहिए। उसके बाद phrasal verbs से बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, बहुत सारे का मतलब क्या होता है, एक ही क्वेश्चन में, मतलब इन्होंने कैसे क्वेश्चन पूछा था, जैसे ये क्वेश्चन पूछ लिया इसी में ऐसे ना मैच करो पूछ लिया, मैच करो। अब ये मैच जो करवा रहा है वो एक phrasal verb नहीं पूछ रहा आपसे, यहाँ 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 चार लिख दी, इधर चार लिख दी, अब इनको मैच करो, तो आपको अच्छे से ही करना है ये टॉपिक, ठीक है। तो phrasal verb अच्छे से पूछे गए थे मेवात में भी और हरियाणा में भी, तो phrasal verb को आप अच्छे से करोगे। फिर होमोफीम्स, होमोनीम्स एंड फनीम्स वगैरह, कोई थोड़ी थोड़ी आपको मतलब जो पैडागोजिकल का बेसिक होता है, ठीक है, फनीम्स वगैरह क्या होती हैं, ये सब कुछ आपको पता होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर पूछी गई थी। और वोकैबुलरी में सिनोनियम एंटोनियम तो पूछे ही जाते हैं, कि सेम मीनिंग ढूंढिए, अपोजिट मीनिंग ढूंढिए, तो ऐसे करके वोकैबुलरी सेक्शन से भी आपको 5-6 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे पक्का। फिर इसके अलावा एक पैसेज मिल जाएगा, जिस पैसेज में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे कि 10 हों, 3 से 4-5 क्वेश्चन से ऊपर पैसेज नहीं होगा, मतलब 5 क्वेश्चन का राउंड आप लगा लो पैसेज, 5, 5, 10, ठीक है, ये सब कुछ मिला के 10-12 नंबर का मिलेगा आपको, ग्रामर पैसेज वोकैबुलरी पैडागोजी का रेयर मिलेगा, बस बेसिक नॉलेज मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पर फिर जो बाकी क्वेश्चन बच जाते हैं वो सारे के सारे आपको मिलेंगे भाई इंग्लिश लिटरेचर से। अब इंग्लिश लिटरेचर मेवात कैडर में थोड़ा ज़्यादा पूछा था, हरियाणा वाले में थोड़ा सा कम पूछा था, बट फिर भी हम रिस्क थोड़ा ले सकते हैं, कहीं कुछ भी कैसा भी पूछ ले। फिर आपको रेस्ट ऑफ क्वेश्चन इंग्लिश लिटरेचर के मिलेंगे, जिसमें इंग्लिश लिटरेचर बहुत डीप नहीं मिलेगा, मतलब बहुत हाई लेवल का नहीं था, बिल्कुल बेसिक सिंपल इंग्लिश लिटरेचर था। लेकिन यहाँ पर इंग्लिश लिटरेचर में आपको ब्रिटिश लिटरेचर ही करना है, ज़्यादा चक्कर में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक आधा क्वेश्चन भाई अमेरिकन से डाला हुआ था, एक क्वेश्चन मेवात में भी और एक क्वेश्चन अमेरिकन राइटिंग। इंग्लिश लिटरेचर में जैसे बहुत सारी राइटिंग्स होती हैं, मतलब जैसे ब्रिटिश वालों ने लिखा, इंडियंस ने लिखा, अमेरिकन्स ने लिखा, अफ्रीकन्स ने लिखा, कैनेडियंस ने लिखा, PGT इंग्लिश में जैसे एफ्रो अफ्रीकन कैनेडियन और मतलब अमेरिकन ही डोमिनेट था PGT इंग्लिश लिटरेचर में, बट मैं इस लिटरेचर की बात कर रही हूँ कि इस लिटरेचर के अंदर आप ब्रिटिश लिटरेचर को कर लो, बहुत सफिशियंट है। और ब्रिटिश लिटरेचर को भी बहुत डीप जाने की जरूरत नहीं है, मेन मेन राइटर्स पे आप कर लेते हो तो भला हो जाएगा, जैसे शेक्सपियर है, मिल्टन है, वर्ड्सवर्थ, मतलब जो फेमस होते हैं आपको पता सुना होता है आप। फिर अमेरिकन में भी बहुत डीप जाने की जरूरत नहीं, फेमस अमेरिकन राइटर्स को हम कर लेते हैं। और साथ में आपको यहाँ पर इंडियन राइटिंग को जरूर करना है, कोई भी दुनिया का पेपर होगा ना अपने हरियाणा में या इंडिया में इंग्लिश लिटरेचर का, भैया सारे अंग्रेजों को थोड़ी ना पूछेंगे वो, हम हरियाणा अपने इंडिया वालों को कहाँ छोड़ेंगे, तो इंडियन राइटिंग तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ज़रूर पूछी जाती है। तो आप यहाँ पर इंडियन राइटिंग को भी बेहतरीन तरीके से करेंगे, ठीक है, तो ये सब कुछ करेंगे। यहाँ पर भी क्वेश्चंस निकालने का तरीका मैंने देखा है स्क्रीनिंग के एग्जाम में, एक क्वेश्चन हमेशा सबटाइटल से पूछा गया है कि भाई किस वर्ग का कौन कौन सा सबटाइटल है, सबटाइटल्स आपको पता होना चाहिए। फिर एलजीज से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, एलजीज मतलब काइंड ऑफ लेमेंटेशन सॉन्ग, किस किस ने किसके कौन से ऊपर कौन सी एलजीज लिखी है। फिर आपको
पोइट्री की ये तो ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है कि कौन कौन सी पोइट्री कौन कौन सी थीम, ये नहीं पूछा गया, इतना ईजी नहीं पूछता। और नोबेल पुरस्कार नोबेल प्राइजेस से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछा गया था, ठीक है। और इस तरीके से मेन मेन जो राइटर्स हैं उनके ऊपर अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। शेक्सपियर के कैरेक्टर से क्वेश्चन पूछे गए थे कि दिस पर्टिकुलर स्पेसिफिक कैरेक्टर के कौन से पर्टिकुलर प्ले के अंदर देखने को मिला था, ठीक है। इस टाइप से ज़्यादा कोटेशन वोटेशंस नहीं पूछी गई थी, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि देखो एक सीधी सी बात है, एनसीईआरटी से कोई खास क्वेश्चन नहीं है। बच्चों को भैमो मैम एनसीईआरटी करे, एनसीईआरटी वो बच्चे करे जिनको एचटेट का एग्जाम क्लियर करना है। एचटेट वाले बच्चे एनसीईआरटी करेंगे, बट इट्स अ स्क्रीनिंग एग्जाम। एनसीईआरटी से भाई मैंने तो ना मेवात में क्वेश्चन देखा ना इसमें क्वेश्चन देखा, आगे आ जाए तो राम जाने। लेकिन अब तक कोई एनसीईआरटी से सिंगल भी क्वेश्चन नहीं था, सीधा सीधा श्योर लिटरेचर से क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये एक ऑल ओवर व्यू है इंग्लिश लिटरेचर का जो टीजीटी स्क्रीनिंग में पूछा गया था। अब आपको ये पढ़ना कहाँ से है, जहाँ से आपका दिल करे वहाँ से आप इसको पढ़ो। अदरवाइज मैंने YouTube पे 75 के अराउंड वीडियोस भी बनाई हुई इंग्लिश लिटरेचर की, आप वो भी पढ़ लो, बहुत हेल्पफुल रहेंगी। लेकिन आपको 100% जॉब लेनी है और सिलेक्शन लेनी है तो आप किसी भी ऑनलाइन कोचिंग के साथ जा सकते हैं। मैं नहीं कहती मेरी, बट आई हैव ऑल्सो पर्टिकुलर मेरे ऐप पर TGT इंग्लिश स्क्रीनिंग का एक बिल्कुल स्पेशल बैच है जिसके अंदर आपको सब कुछ मिलेगा, मतलब हिंदी इंग्लिश एनालॉजी के मैथ रीजनिंग कंप्यूटर ये सारे सब्जेक्ट प्लस एडवांस मैथ सब कुछ इसमें करवा रखा है। और साथ में कंप्लीट लिटरेचर वोकैबुलरी ग्रामर, अभी हम वोकैबुलरी में कुछ वीडियोस और ऐड करेंगे, ठीक है। लिटरेचर कंप्लीट है, TGT के हिसाब से ज़्यादा ही करवा रखा है। और लिटरेरी फिगर स्पीच ये भी कर लेना भाई, इंग्लिश का पेपर है फिगर और स्पीच लिटरेरी के, ये भी कर लेना। तो हमने लगभग हमारा 85% सिलेबस कंप्लीट है। बहुत सारे बच्चों को वहम रहता है कि लाइव पढ़ाओ लाइव पढ़ाओ, बट जिनको सीरियसली नौकरी लेने हैं वो लाइव के चक्कर में नहीं पढ़ते, बिकॉज लाइव इज़ अ टाइम वेस्ट। जितना टाइम आप हाय हेलो मैडम से टाइम पास करने में लगा दोगे, इतनी देर में तो आप वीडियो देख के अपनी शांति से बैठ जाओगे, ठीक है। लाइव क्लास में आप प्रैक्टिस करो कुछ करो, लेकिन प्लीज़ प्लीज़ कंटेंट क्लियर करने के लिए लाइव के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट मत करना। आई हैव फुल रिकॉर्डेड क्लास, 85% से ज़्यादा सिलेबस इन क्लासेज में कंप्लीट है। अचीवर अकेडमी का ऐप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मैं डाल दूंगी, आप जहाँ के विजिट कर सकते हैं एंड यू विल गेट स्पेसिफिक कोचिंग ऑफ दिस एग्जाम। I am from Haryana Panipat, so if you want notes, coaching and whatever, if you have any query, then you can contact. So bye-bye, goodbye. पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो भाई मेरे छोटे से चैनल का हिस्सा बने, मुझे खुशी होगी। लाइक करें वीडियो को, शेयर कर दें अपने सभी फ्रेंड्स को जो TGT का एग्जाम दे रहे हैं। सो bye-bye, थैंक यू। हे गाइस, वेलकम टू योर ओन अकेडमी डैडीज अचीवर्स अकेडमी। आई एम योर फ्रेंड योर गाइडर निशा शर्मा। कैसे हैं आप और कैसी चल रही है पढ़ाई? आई थिंक बोथ आर गोइंग गुड। सो गाइस, आज ही उड़ती उड़ती खबर आई है कि सितंबर अगस्त में हो जाएंगे हरियाणा के सभी एग्जाम्स, तो होप फॉर द बेस्ट। तो हरियाणा के अपकमिंग एग्जाम्स में आपको पता है टीचिंग की बात करें तो स्क्रीनिंग का एग्जाम होना है, PGT के जो फॉर्म्स ऑलरेडी भर चुके हैं वो एग्जाम्स होने हैं, और TGT इंग्लिश का तो होना ही है, वो तो फॉर्म्स नए आएंगे उसके ऊपर वीडियोज बना चुके हैं। तो आज मैं आपको एक स्ट्रेटजी बता रही हूँ PGT इंग्लिश स्क्रीनिंग के एग्ज़ाम की, कि जो PGT इंग्लिश स्क्रीनिंग का एग्ज़ाम है उसके अंदर हम इंग्लिश वाले सेक्शन का एनालिसिस करते हैं कि जो 30 मार्क्स को आपको इंग्लिश लिटरेचर रहता है उसके अंदर क्या पूछा गया था लास्ट ईयर, वो मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ आपको क्या पढ़ना है। कंप्लीट एग्जाम की आपको बात बताई है, 90 मार्क्स का पेपर आएगा जिसमें से 30 क्वेश्चंस आपको इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड मिलेंगे, और जो रेस्ट 60 क्वेश्चंस हैं उसमें से आपको 22 या 20 के अराउंड क्वेश्चंस, 22 के अराउंड क्वेश्चंस हरियाणा GK के मिलेंगे। मींस ये दो सेक्शन ही हैं जो आपको आधे से ज़्यादा पेपर को पास करवा देंगी, समझ रहे हो ना आप। 55 के अराउंड मार्क्स आपके इन दो सब्जेक्ट से ही हो जाएंगे, तो सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग है स्क्रीनिंग में ये दो सब्जेक्ट। इसके अलावा जो रिमेनिंग सेक्शंस हैं उसमें आपको हिंदी भी आ जाएगा, इंग्लिश भी आ जाएगा, GS भी आ जाएगा, करंट अफेयर्स भी आ जाएंगे, रीजनिंग मैथ्स एंड कंप्यूटर्स, सभी से थोड़े थोड़े करके कुछ 5-6 की एवरेज में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपको पता फिक्स होता नहीं है कुछ भी। अब बात कर लेते हैं कि PGT इंग्लिश के एनालिसिस जो 30 मार्क्स का है, मैं उसकी बात कर रही हूँ, जो 30 नंबर का जो लिटरेचर सेक्शन है कहाँ से इसके क्वेश्चंस पूछे गए थे लास्ट ईयर। अब बच्चे यहाँ पर जैसे TGT की बात करें तो वहाँ पर ग्रामर वोकेबलरी सब कुछ डोमिनेट था, बट PGT की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लिटरेचर था। 30 के 30 नंबर पूरे ही लिटरेचर सेक्शन से थे और कुछ भी नहीं आया था। लिटरेचर भी ऐसा नहीं था जो हम स्टेट में पढ़ते हैं, हाई लेवल का था, स्टैंडर्ड लिटरेचर था, लाइक D2+BN, लाइक नेट लेवल का। अब लिटरेचर स्टूडेंट्स को ये तो पता है, बहुत वीडियोज़ में मैं बता चुकी हूँ कौन कौन सी एजेस होती हैं,
तो लिटरेचर में आपको कौन कौन से टाइप के लिटरेचर यहाँ पर पढ़ने हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर पढ़ना है ब्रिटिश लिटरेचर, ठीक है, ब्रिटिश लिटरेचर आपको पढ़ना है बेहतरीन तरीके से। ब्रिटिश लिटरेचर के साथ आपको यहाँ पर पढ़नी है इंडियन राइटिंग, इंडियन राइटिंग्स को आपने अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। इंडियन राइटिंग के साथ आपने यहाँ पर पढ़ना है अमेरिकन राइटिंग, अमेरिकन राइटिंग, अमेरिकन राइटिंग के साथ आपको पढ़ना है एफ्रो अमेरिकन राइटिंग, फिर आपको पढ़ना है अफ्रीकन लिटरेचर, फिर आपको पढ़ना है कैनेडियन लिटरेचर, ठीक है। कैनेडियन लिटरेचर के साथ कुछ क्वेश्चंस आपको क्रिटिसिज्म से भी रिलेटेड मिलाएगा, एक आधा क्वेश्चंस, ठीक है। क्लासिकल वगैरह नहीं पूछा गया था, लेकिन ओवरव्यू के लिए मेन जो राइटर्स हैं उनके वर्क का नाम आप कर सकते हो, ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। अब देखो लास्ट ईयर कहाँ से क्वेश्चन आए थे, तो आगे कहाँ से आ सकते हैं। एक तो देखो लास्ट ईयर को हम बेस बनाते हैं, तो उन चीज़ों को हम बेस्ट करते हैं, बट कभी ये मत सोचना कि लास्ट ईयर इस सेक्शन से क्वेश्चन आए तो ज़रूरी है इस बार भी इसी सेक्शन से क्वेश्चन आए, ज़रूरी थोड़ी ना है। लास्ट ईयर जिस सेक्शन से क्वेश्चन डाले ज़रूरी नहीं है उसी राइटर को इस बार डालें, दूसरे को भी डाल सकते हैं। तो कहने का मतलब ये नौकरी है भाई, ऐसे तो मिलनी नहीं, आपको पढ़ना तो सब कुछ ही है, बट लास्ट ईयर वाली चीज़ों को ज़्यादा पढ़ेंगे। अब ब्रिटिश राइटिंग की मैं बात करूं तो आपको पता है यहाँ पर आपको पूरा ब्रिटिश लिटरेचर करना है, जो आपको स्टार्ट हो जाता है ओल्ड इंग्लिश पीरियड से, जो आपका एंग्लो सेक्शन जो नॉर्मन किंग्स अटैक वगैरह था वहाँ से आपकी इंग्लिश लिटरेचर स्टार्ट हो जाती है। देन आपको एज ऑफ चौसर पे जाना है, एज ऑफ चौसर बहुत बेहतरीन करना। पिछली बार खाली चौसर से 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे। जोफ्री चौसर इज यू नो फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश पोइट्री, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंग्लिश पोइट्री के फादर है भाई। तो जोफ्री चौसर से पिछली बार 3 या 4 के अराउंड क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो मतलब पहले ही एज से जो एंग्लो सेक्शन जो आपकी ओल्ड इंग्लिश पीरियड है दैट इज एज ऑफ चौसर, तो यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन चौसर और उसके कंटेम्परेरीज से ही पूछ लिए गए थे। तो वेरी इंपॉर्टेंटली आपको पढ़ना है चौसर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्क्रीनिंग वाले बच्चों को, ठीक है। चौसर के बाद हम एलिजाबेथन एज पे आ जाते हैं, तो एलिजाबेथन एज से बेन जॉनसन से क्वेश्चन पूछा गया था, तो जरूरी नहीं है किसी भी यूनिवर्सिटी वेट से क्वेश्चन पूछा गया था, तो एलिजाबेथन एज को हम करेंगे। आपको पता है ब्रिटिश राइटिंग मैं ओवरव्यू दे देती हूँ एजेस, वैसे मैं बहुत वीडियोज़ में बता चुकी हूँ कि आपको जैसे एज ऑफ चौसर है उसके बाद आपको एलिजाबेथन एज करनी है, आफ्टर डेट आपको जैकोबियन एरा को बहुत अच्छे से पढ़ना है। जैकोबियन एरा के बाद आपको यदि हम बात किए तो रोमेंटिक्स जो एज ऑफ पॉप है उसको बहुत बेहतरीन पढ़ना है, अगस्तन एज को पढ़ना है, देन आपको रोमांटिक्स एज को पढ़ना है, मतलब सेंटीमेंटल एज को पढ़ना है। सेंटीमेंटल एज से भी क्वेश्चंस आए हुए थे, ठीक है, चार्ल्स लैम वगैरह से, ये जो चेंजेस होता है जो क्लासिकल से रोमांटिक्स की तरफ जाता है, तो इस चेंज से भी क्वेश्चंस आए हुए थे। देन आपको रोमांटिक्स एरा पे जाना है, फिर विक्टोरियन एज पे जाना है, विक्टोरियन एज के बाद आपको मॉडर्न एंड देन पोस्ट मॉडर्न। कहने का मतलब जो ब्रिटिश लिटरेचर है बच्चे, इसमें आपको इन सभी एजेस को स्टेप टू स्टेप करना है। अब किस एज से ज़्यादा क्वेश्चंस थे, सबसे पहले तो एज ऑफ चौसर से ही क्वेश्चंस पूछे गए थे, फिर यहाँ पर आपको मॉडर्न एज से ही क्वेश्चन पूछा गया था, सीधा मॉडर्न एज पे छलांग लगा दी थी, ठीक है, मॉडर्न एज से क्वेश्चन पूछा गया था। मॉडर्न एज के अलावा जो लिटरेरी ग्रुप्स होते हैं, लिटरेरी टर्म्स होते हैं, वहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है, मतलब ब्रिटिश राइटिंग से इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए थे, मतलब 30 में से नियर अबाउट आप ये लगा लो कि 10 क्वेश्चंस आपको ब्रिटिश राइटिंग से देखने को मिले थे लास्ट ईयर, बट ज़रूरी नहीं है इस टाइम कितना आएगा, पढ़ना सब कुछ है। फिर इंडियन राइटिंग्स की बात करें, इंडियन राइटिंग से बहुत ही इजी ऊपर ऊपर से क्वेश्चन थे, 5 के राउंड क्वेश्चन इंडियन राइटिंग से थे, मीन्स 15 के राउंड क्वेश्चन, तो 5 क्वेश्चन इंडियन राइटिंग से आपको देखने को मिले थे लास्ट ईयर, तो इंडियन राइटिंग को भी आपको अच्छे तरीके से करना है। फिर अमेरिकन राइटर से भी 2 से 3 क्वेश्चन आए हुए थे, तो अमेरिकन राइटिंग्स, अमेरिकन लिटरेचर को भी अच्छा करना है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। 3 से 4 क्वेश्चंस फिर एफ्रो अफ्रीकन से भी पूछे गए थे, एफ्रो अफ्रीकन से भी पूछे गए थे 2-3 क्वेश्चंस, फिर आपको अफ्रीकन लिटरेचर से भी 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। मतलब लास्ट ईयर जो इंग्लिश का स्टैंडर्ड था ना वो बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ था, लास्ट ईयर मींस नहीं जो भी लास्ट पेपर हुआ था, तो अफ्रीकन राइटिंग से भी क्वेश्चंस पूछे हुए थे, जबकि कैनेडियन, अरे नेट वाले पूछते हैं, बट कैनेडियन से भी 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो कहने का मतलब सारा ही लिटरेचर उसने ऑल ओवर कवरअप किया हुआ था बहुत ही अच्छे तरीके से, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस। इसके अलावा क्रिटिसिज्म से 1 क्वेश्चन था, 1 थे एलन शोल्डर वाला, शायद 2 क्वेश्चन थे, ठीक है। इसके अलावा जो क्वेश्चंस पूछा गया था वो लिटरेरी टर्म से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे हुए थे, 3 से 4 क्वेश्चंस थे भाई लिटरेरी टर्म से,
लिटरेरी टर्म्स, ये जो मतलब स्टेंजास क्या होते हैं, राइम्स क्या होते हैं, इनके अंदर का हीरोइक कपलेट ये वो एक्सेट्रा, किस राइम में क्या क्या होता है, मतलब अच्छा स्टैंडर्ड डीप जो लेवल था वो पूछा गया था लिटरेरी टर्म्स से। तो ये एक ओवरव्यू है कि पिछली बार यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए थे, पर आप ये मत सोचना पिछली बार चौसर से पूछा तो इस बार चौसर ही आएगा, पिछली बार तो शेक्सपियर से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा, तो क्या पता आप क्या पूछे ना पूछे। बच्चे मैं सलाह दूंगी तो आप ब्रिटिश राइटिंग को तो देखो अच्छा करें, लेकिन आजकल ट्रेंड बन गया है ब्रिटिश में भी मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न एज को पूछा जाता है अच्छा, ठीक है। और रोमांटिक्स हमेशा फेवरेट रहती है एग्जाम वालों की, चाहे एक क्वेश्चन डाले बट डालता जरूर है। और स्टार्टिंग एज जो एंग्लो सेक्शन से चौसर तक जो हम स्किप कर जाते हैं, सीधा एलिजाबेथ से पढ़ते हैं, लेकिन स्क्रीनिंग में उससे पहले से ही चार क्वेश्चन डाले हुए थे, तो स्क्रीनिंग के एग्जाम वालों को शुरू से ही पढ़ना है, स्टेट वालों को बेशक ना पढ़ो, ठीक है। और फिर अफ्रीकन राइटिंग को जरूर करना, बहुत डोमिनेटिंग है आजकल, चीना चीवी वगैरह 3-4 राइटर्स हैं इसके, ठीक है। कैनेडियन लिटरेचर सबको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ना, यहाँ पर कोई ग्रामर का क्वेश्चन नहीं था इन 30 क्वेश्चंस में, कोई वोकेबलरी से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं था, कोई मिसस्पेल्ड नहीं था, जो लास्ट अपना एनालिसिस है फुल फ्लैश लिटरेचर था। आप पढ़ना कहाँ से है, कोई भी आप नेट लेवल की बुक से पढ़ सकते हो, बट थोड़ा सिस्टमेटिक पढ़ोगे तो बेहतरीन चीज़ें समझ आ जाएंगी, ज़्यादा रटना नहीं है, बेहतरीन करना। और इंग्लिश लिटरेचर में कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, हम हरियाणा वालों की तो खासकर आ जाता है, हमें बेस ही नहीं पता होता, रट्टाफिकेशन लग जाता है, ऐसे कभी भी लिटरेचर समझ नहीं आता, मतलब उसको अपना समझ के पढ़ोगे तो अच्छा लगेगा, मतलब मज़ा आता है लिटरेचर में भी, ठीक है। तो इस तरीके से आप पढ़ेंगे भाई, इसके बाद हरियाणा जीके को द बेस्ट कर लेना, क्योंकि आपको पता है हरियाणा जीके के बिना भी सिलेक्शन मुश्किल है, तो दोनों ही चीज़ मोस्ट डोमिनेटिंग है, बाकी तो सेकेंडरी रह गई है, ठीक है। तो पढ़ना कहाँ से, आपको जहाँ से बेहतरीन लगे, जिस बुक से बेहतरीन लगे, नेट लेवल की किताबों को पढ़ो, मेरे चैनल पर बहुत सारी वीडियोज़ हैं, और आपको बिल्कुल कम्प्लीटली बेहतरीन तरीके से पढ़ना है, नोट्स वगैरह लेने हैं, या फिर कम्प्लीट कोचिंग मेरे ऐप है मेरा अचीवर्स अकेडमी के नाम से, चैनल का लोगो है वही है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में छोड़ दूंगी। अचीवर्स अकेडमी का जो लोगो है, ठीक है, सेम वैसा ही है, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पर आपको एक बैच मिल जाएगा PGT इंग्लिश लिटरेचर स्पेशल, वो मैंने उसमें ना मैंने कैनेडियन तक करवा दिया है सिलेबस खत्म, कुछ ही वीडियोस ऐड करनी है 8-10, सारा सिलेबस कंप्लीट है, रिकॉर्डेड मोड में है, जब चाहे आप तभी देख सकते हैं, सब कुछ कंप्लीट है, साथ में आपको PDF नोट्स वगैरह सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। और हरियाणा जीके का बैच भी हमारा अलग से बना दिया गया है, और बहुत डीप लेवल से RCS लेवल की हरियाणा जीके करा रहे हैं, क्योंकि हरियाणा जीके अब पहले वाली नहीं, ऊपर ऊपर से क्वेश्चन नहीं आते, अच्छे लेवल से क्वेश्चन आएंगे, तो आपको ये दोनों ही बैचेस बहुत अच्छे तरीके से मिल जाएंगे अचीवर अकेडमी ऐप पे, आप चाहें तो ले सकते हैं। इंक्वायरी है तो आप फ़ोन कर सकते हैं 7015467794। और बहुत सारी बेसिक 70 के अराउंड वीडियोज मेरे चैनल पे भी हैं, इंग्लिश लिटरेचर की प्लेलिस्ट को आप विजिट कर सकते हैं। सो बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ, थैंक यू।